रेसलमेनिया बैकफ्लैश हो चुका है खत्म। मेरा नाम है आरजे, आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रसल चैनल। पहला ही मैच हमको देखने को मिला कोडी रोज वर्सेस सेट रॉलिंस का। सबके दिल में एक ही सवाल, इस मैच में जीतेगा कौन। लेकिन ये मैच काफ़ी बढ़िया था रेसलमेनिया में, जिस तरीके से इन दोनों सुपरस्टारों ने डिलीवर किया उससे भी बेहतर इन्होंने रेसलमेनिया बैकफ्लैश में डिलीवर किया है। लेकिन इस मैच में जीतेगा कौन, तो WWE ने स्मार्ट डिसीजन ले लिया। इस मैच में हार चुके हैं सेट रॉलिंस, वो भी लुल तरीके से नहीं, रोल ऑफ के सहारे कोडी रोज ने हरा दिया है सेट रॉलिंस को। हमको लगा फिनिशर के सहारे हरा सकते थे, लेकिन WWE ने सेट रॉलिंस को भी लुल नहीं दिखाया, उनको एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के तौर पर दिखाया। नेक्स्ट मैच आता है ऑल माइटी बॉबी लैशली वर्सेस जायंट ओमास का। रेसलमेनिया में तो बॉबी लैशली ने हरा दिया था ओमास को, लेकिन इस बार WWE ने कुछ अलग सोचा। WWE ने जिता दिया ओमास को, और उनके कैरेक्टर के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया था। MVP के सहारे उन्होंने हरा दिया बॉबी लैशली को। अगला मैच था AJ स्टाइल वर्सेस एज। ये काफ़ी बढ़िया मैच आपको देखने को मिलेगा। इसमें स्टिपुलेशन ये थी कि डेमियन प्रिंस इस मैच में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो आते हैं और डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन उनको मारने आ जाते हैं फिन बैलर ने उनको बजा के साइड में कर दिया। लेकिन एक नया बंदा आता है एज का, और वो कोई बंदा नहीं बल्कि बंदी थी। उन्होंने हाथ खींचा AJ स्टाइल का, और वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं AJ स्टाइल, और एज ने वहाँ पर सबमिशन के सहारे हरा दिया। पास आउट हो गए AJ स्टाइल वहाँ पे, और वो निकल के आती है बंदी रिया रिपली, यानी कि रिया रिपली ने ज्वाइन कर लिया है। रूमर्स यही आ रहे थे कि रिया रिपली ज्वाइन कर सकती है एज की फैक्शन को, और ये आज हमको देखने को मिला। शो का सबसे बढ़िया मैच आता है आई क्विट वाला, स्मैकडाउन वीमेंस चैंपियनशिप शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी। और ये मैच आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मैच में धमाका नहीं तहलका मचा दिया है इन दोनों सुपरस्टारों में। सब कुछ देखने को मिलेगा आपको इस मैच में, लेकिन इस मैच में कौन जीत सकता है, तो इस मैच में जीत चुकी है रोंडा राउजी ने आई क्विट बुलवाया है शार्लेट फ्लेयर से, और वो बन चुके हैं आपकी नई स्मैकडाउन वीमेंस चैंपियन। और अब आता है शो का मेन इवेंट, सिक्स मैन टैग टीम मैच ब्लड लाइन वर्सेज RK ब्रो। और इस मैच में रैंडी ऑटन ने बाजी मार ली, यानी कि तहलका मचा दिया इस मैच में। हमको लग रहा था कि ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस इसमें धमाका कर सकते हैं, लेकिन रैंडी ऑटन ने इस बार सबको पीछे छोड़ दिया। लास्ट मौके पर रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगा देते हैं रिंग साइड के ऊपर रैंडी ऑटन को, उसके बाद यूरनागी दे देते हैं ड्रू मैकइंटायर को अनाउंसर टेबल पर, और उसके बाद रिंग में मैट रिडल लगा देते हैं फ्लाइंग RKO जे उसो को। रोमन रेंस टैग करते हैं, और रोमन रेंस स्पीयर लगा देते हैं जे उसो को 1-2-3। यहाँ पर ब्लड लाइन जीत चुके हैं। हमको लग रहा था कि RK ब्रो और ड्रू मैकइंटायर जीतेंगे, और ड्रू मैकइंटायर चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे बैक फ्लैश पेपर यू खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ भी है इसी चैनल पे है। और कहीं नहीं, धन्यवाद।